ग्रेटर नोएडा में आयोजित ऑटो एक्सपो की हॉल नंबर 9 में आग लगने की खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक ये आग टोयोटा कार कंपनी के पवेलियन में लगी। जब टोयोटा के पवेलियन में आग लगी तब वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। आग पर फौरन काबू पा लिया गया। वहीं बताया जा रहा है कि पवेलियन में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। अक्सर शॉर्ट सर्किट की वजह से छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग में तब्दील हो जाती है, जिस वजह से कई बड़े हादसे हो जाते हैं। लेकिन ऑटो एक्सपो में जब शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी तभी उस पर फौरन काबू पा लिया गया। वहीं ऑटो एक्सपो में दुनिया भर की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनियां अपनी ओपनिंग और कॉन्सेप्ट कारों का शोकेस करने के लिए आती हैं, जिस वजह से यहां लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।